अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ा। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ को और नाइट भिगा के रखी थी, तो उसको उबाली और देखो इस तरह से मैंने इसको पूरा फूट दी यानी मैश करी। और यहाँ पे मैं देखो जौ चढ़ा रही हूँ, इसको मैं इसमें भी थोड़ा सा बामुली नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको चढ़ाती हूँ। और मैंने दाल भिगाई हूँ, सब मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। तो इधर मैंने 100 ग्राम छोले, तो यहाँ मैंने और नाइट ये भी भिगा के छोले, ये 100 ग्राम, तो मैंने छोले को भिगाई हूँ दो दाके और दूंगी मैं इसको। ये मैंने चने की दाल है, ये भी भिगाई हूँ और नाइट, तो इसको भी मैं आपको सब पका के बताती हूँ। और इधर मैंने मिक्स दाल है, तुअर मसूर और थोड़ा सा चावल, ये भी मैंने और नाइट भिगाई हूँ। तो ये सब मैं धो के उबाल के आपको बताती हूँ। ये मैंने 3 कांदा काटी हूँ, इसमें तेल अपने हिसाब से डाल के इसका बरिस्ता बनाऊंगी। इधर मैंने कुछ गरम मसाले ली हूँ, अच्छी धनिया ली हूँ, थोड़ा सा जीरा ली हूँ, दालचीनी और जावित्री, सौंफ, 3 इलायची, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, तो जायफल ली हूँ और तेज़पत्ता 1 ली हूँ, काली मिर्ची ली हूँ, लौंग ली हूँ 4-5, 1 बड़ी इलायची, 2 बाजरा फूल और ये अच्छी धनिया। और ये सब गरम मसाले को थोड़ा रोस्ट करके मैं इसको आपको बताती हूँ, आपके हिसाब से ले लीजिएगा गरम मसाला। और इधर मैंने 2 टमाटर काटी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। और मैंने अभी दाल और जौ को देखो बॉईल करके रखी हूँ घोट के, अब मैं और जो जो बनाऊँगी मैं आपको सब बताती हूँ। तो ये मैंने यहाँ घोट ली हूँ, मैंने अपने हिसाब से ली हूँ, शायद 1.25 किलो हो गए ये, तो आप आपके हिसाब से घोट लीजिए। तो मैंने इसमें 2 कांदा काटी, तेल डाली थी, कांदा डाली थोड़ा ब्राउन करके, 2 चम्मच बड़े बड़े अच्छे मस्त एकदम अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। अभी मैं इसके अंदर अपने सब सूखे मसाले डालूंगी, तो मैं बताती हूँ। तो इसके अंदर हम ये गोश्त डाल के थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। यहाँ कुछ सूखे मसाले ली हूँ, चाट मसाला है आपके हिसाब से लेना, मैंने 1 छोटा चम्मच ली हूँ काली मिर्च, 1 चम्मच ली हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और ये 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 नमक। तो मैं ये सब मसाले इसके अंदर डाल के जब भूनती हूँ मैं डाल दूंगी और इसको हम भूनेंगे। टमाटर है ये भी मैं इसमें डालूंगी और टमाटर को भी भून लूंगी। तो मैं आपको एक बताते जा, ये हरी मिर्ची आपके हिसाब से रखना, मेरे को थोड़ा तेज चाहिए था इसलिए मैंने हरी मिर्ची को दरदरा पीसी हूँ, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको सबको अच्छे से भून लूंगी। मैंने घूटी थी ये सब इसके अंदर अभी जाएगा, अभी ये डाली हूँ, अभी मैं और दाल वाल भी डालती हूँ तो मैं आपको फिर बताती हूँ। तो ये दाल भी देखो इस तरह हम ये सब डाल के अभी इसको कंगाल के अच्छे से पानी डालेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा पानी कम है तो गर्म पानी डालना। तो ये पीस के रखी थी ये सब हम डालेंगे इसके अंदर, 2 चम्मच डालूंगी क्योंकि मेरे इसमें क्योंकि गर्म मसाले की बात आएगी, इससे मैं इतना ही डालूंगी। और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें ये थोड़ा सा पुदीना काट के रखी हूँ और थोड़ा कोथिमीर, तो इसी के साथ ये भी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भूनूंगी। तो माशाल्लाह से मेरा खिचड़ा ऑलरेडी बन चुका है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो ये मैंने जो बरिस्ता बनाई हूँ ये जब हम खाने में बैठेंगे उसके साथ डालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाल के मैं आपको बता दूँ। देखो माशाल्लाह से जो बाहर मिलता है मोहम्मद अली रोड वगैरह पे, तो ऐसा खिचड़ा मैंने बनाई हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे हिसाब से करिएगा। तो मिलती हूँ अच्छी और नई रेसिपी के साथ।